हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप इसमें अच्छे हो गाइस। मैं बहुत अच्छी हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और गाइस आप देख रहे हो मेरा फेस इतना ग्लो कर रहा है, क्या राज है ये ग्लो का? तो ये ग्लो का राज क्या है गाइस, अभी दिखा रही हूँ मैं। तो मिनट, ये रहा मेरा एग जो मैं प्रोटीन लेती हूँ। तो ये प्रोटीन है, प्लस मैं आज थ्रेडिंग कराई हूँ तो थोड़ा सा हॉट ग्लो दिख रहा है क्योंकि क्लीन हो जाता है ना फेस बिल्कुल। तो काफ़ी टाइम बाद कराई थी, मैं घर गई थी उससे पहले कराया था, उसके बाद आई हूँ तो अब कराई क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। प्लस फिर अब बहुत पेन होता है थ्रेडिंग कराने में, और मेरी थ्रेडिंग बहुत हल्की है तो मैं बहुत प्रॉब्लम भी होती कराने, फिर भी मैंने करा लिया। तो गाइस इस दिन में मैं ब्लॉग नहीं शूट की थी, एक शूट किया था जो आज अपलोड हो गया, तो ये एक आज कर रही हूँ, बाकी कल करूँगी क्योंकि आज मन नहीं होता बोलने का क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही है मेरी थोड़ी सी। तो फिर मैं सोची अब एक ही बार शूट करूँगी और एक ही बार आप लोग से बातें भी करूँगी। और बहुत सारा टॉपिक है जो मुझे कवर करना है रियली आप लोग के लिए। और आज का टॉपिक क्या रहेगा पहले गाइस मैं वो बता देती हूँ आप लोग को। आप लोग जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑनबोर्डिंग अभी चल रही है, तो ऑनबोर्डिंग में बहुत सारे लोगों को मेल नहीं आया है, बहुत सारे लोग कांटेक्ट कैसे करेंगे एचआर को या फिर टीम को, तो उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ आप लोग को क्योंकि बाय कमेंट्स बहुत प्रॉब्लम होती है, नहीं हो पाता शेयर। और ऑनबोर्डिंग अपडेट का भी थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ, क्या है क्या नहीं है। और एक चीज़, जिसका 40% पे अटका है 6 मंथ से, तो वो लोग क्या करेंगे, तो ये मैं बताऊंगी ब्लॉग के एंड में गाइस, बने रहना बिल्कुल। ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़फुल होने वाला है आप लोग के लिए। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल, बेल आइकन दबा के जाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस जिन्होंने मुझे एफबी पे फॉलो नहीं किया, एफबी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और लिंक्डइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑफिशियल आप मुझे वहाँ पे अपना कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, कोई भी रिज्यूमे शेयर कर सकते हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे। मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करती हूँ क्योंकि गाइस टाइम बहुत कम मिलता है, मतलब कम क्या बोलूँ, मतलब निकालना पड़ता है टाइम। टाइम तो बहुत है बट उसमें थोड़ा सा मतलब बिजी शेड्यूल है मेरा, तो फिर उसको लेके चलना पड़ता है। बट कोई नहीं, फिर भी आप लोग के लिए इतना कर सकते हैं। और जैसे कि पता है आपको ट्यूजडे वेनसडे से नवरात्रा है, तो अभी मैंने कल मुझे पूरा क्लीन करना है, सफाई करना है, मैंने मॉर्निंग के ब्लॉग में मैंने बताया था और अभी भी बता रही हूँ, तो ये तो करना ही है क्योंकि मुझे सफाई बहुत पसंद है और मेरी तबीयत ख़राब है। बट देखते हैं कल कैसे करते हैं काम, तो अकेले तो करूँगी नहीं, मैं बुलाऊँगी किसी को करने के लिए, बहुत सारा सफाई करना है सच में गाइस। और हाँ, और गाइस आज लास्ट डे है जो मैं आज नॉनवेज खाऊंगी, तो आज मैंने मंगाया है हांडी मटन। मैं आप लोग को एक बार व्यू दिखाती हूँ, आप लोग बताना कैसा लग रहा है आप लोग को। तो गाइस ये है हांडी मटन, इसके अंदर मटन है। मैंने मटन बहुत टाइम बाद खाई हूँ क्योंकि मैं ऐसे नॉनवेज में ओनली मैं फिश वो खाती हूँ, चिकन। तो ये हांडी मटन चंपारण मटन है, हमारे बिहार का फेमस। आप लोग गाइस सच में खाओगे तो फैन हो जाओगे। अभी ये पैक है, मैं जब इसको ओपन करूँगी तब मैं वीडियो शूट कर लूँगी, बाकी मैं दिखाऊँगी उसके बाद। तो चलिए गाइस फाइनली स्टार्ट करते हैं, टॉपिक कवर करते हैं, ये सब तो बातें होती रहेगी, बाकी मैं मुझे क्या बातें करने को मैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगी शूट। और अभी कंटिन्यूसली ये ब्लॉग आ गया। फिर गाइस नवरात्रा है 3 तारीख से, तो 3 तारीख से मैं डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 का ब्लॉग शूट करूँगी। और मैं मंडे को छुट्टी ली थी, मैं जाने वाली थी नीम करोड़ी बाबा। हाँ जी गाइस सही सुना आपने, मैं जाने वाली थी बट प्लान हो गया कैंसिल क्योंकि अभी थोड़ा सा डिसबैलेंस चल रहा है हर चीज़ का। और अभी मेरे जिम भी 2 दिन से बंद है, इसलिए बंद है, रिवोल्यूशन हो रहे हैं और कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिम में, तो वो जिम का ब्लॉग भी लेके आऊँगी बहुत जल्द, क्या चेंजेस हुए हैं क्या नहीं हुआ। अगर आपने पहले के जिम के ब्लॉग नहीं देखे तो जाके देखना, और जो अब न्यू आएगी वो मैं दिखाऊँगी। तो 2 दिन से बिल्कुल वर्कआउट छूट गया है, कल फ्राइडे और आज सैटरडे, संडे भी क्लोज है, मंडे ओपन होगा, तो मंडे को दवा के जिम करेंगे भर के पूरा। गाइज मुझे मतलब इन 2 दिनों में एक चीज फील हुआ जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अगर जिम ना करो ना तो बिल्कुल लाइफ बेकार है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं इतने टाइम से कंटिन्यू 2-3 साल से जिम कर रही हूँ, तो अगर मैं 2 दिन नहीं गई ना मुझे भूख नहीं लग रही है, अंदर से मतलब फील नहीं हो रहा है, मतलब लग रहा बोरिंग बोरिंग। वो जो 2 घंटा मैं खुद पर यूटिलाइज़ करती हूँ, 1.5 घंटा, वो मुझे बहुत रिलैक्स देती है। मैं आफ्टर जॉब या फिर आफ्टर 9 आवर्स के शिफ्ट करके भी मुझे बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। बट जिम ना हो तो बेकार है गाइस सच में। आप लोग बताना कमेंट्स करके आप लोगों को कैसा फील होता है। और गाइस एक चीज़, आफ्टर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स बाद कुछ ऐसे चेंजेस आपको दिखेंगे
तो जो लोग पुराने हो नए हो तो बने रहना, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली है। बस 2 मंथ वेट करो, 2 मंथ बाद क्या चेंजेस होगा वो आपको पता चलेगा धीरे धीरे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखो मैं पहले आपको बता दूँ, ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो गई है गाइज, और ऑनबोर्डिंग चल रही है। बट अभी करेंटली जितने भी पेंडिंग पड़े हैं सबको नोटिफिकेशन ये सबको मेल नहीं आया है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, सर्विस डेस्क के लिए हायरिंग L1 लेवल पे लखनऊ लोकेशन पे निकल गई है गाइज। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो शूट करूँगी परसों, तो मैं परसों अपलोड करूँगी आपके, मतलब कल शूट करूँगी, तो उसके बाद नेक्स्ट वीक में अपलोड होगा। तो हायरिंग स्टार्ट है, उसमें मैं लिंक ऐड कर दूँगी और मैं दिखा भी दूँगी आप लोग को, जो भी करना आप लोग कर लेना। बट अभी वो हायरिंग स्टार्ट है, अभी डेट वगैरह कन्फर्मेशन नहीं आया है। मीन्स अगर ये हायरिंग स्टार्ट कर रहे हैं लोकेशन वाइज तो ऑनबोर्डिंग भी स्टार्ट है ही, ये मैं पहले बताई थी आपको डेट वाइज हो गया है। बट जो पेंडिंग काफ़ी टाइम से है, 6 मंथ से है, जिनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, आप मैसेज कर रहे हो आपको उनका रिप्लाई भी नहीं आ रहा है, देखो उस केस में आपको फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई मेल होगा, कोई ना कोई मेल आईडी होगी या कॉन्टेक्ट होगा, हेल्प डेस्क नंबर होगा, कुछ तो कुछ होगा आपके पास थ्रू ईमेल। जिनकी मैं बता दूँ, जिनका कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ होगा उनके पास तो आई थिंक नहीं होगा, बट जो जिनको मेल आई होगी मेल के थ्रू या फिर आप कहीं और के थ्रू ऑफिशियल साइट से की होगे, एक्सटर्नल साइट से की होगे, तो आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन होगी, कोई ना कोई देखना कहीं भी मेल होगा या फिर कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर होगा, कुछ भी होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर आपके पास वो भी नहीं है, तो फिर देखो लास्ट ऑप्शन यही है कि आपको वेट करना पड़ेगा। आप इतने टाइम वेट किए, थोड़ा टाइम और वेट कर लो, अगर ये भी नहीं हो सकता है, अगर आप वेट नहीं कर सकते तो कहीं और ट्राई करो, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ बहुत लंबा समय होता है मेरे अकॉर्डिंग, तो उतना ज़्यादा टाइम वेट करने कोई मतलब है नहीं, 6 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ्स। तो वो ऑनबोर्डिंग स्टार्ट है अक्टूबर तक, आप वेट कर लो, अक्टूबर आने वाला है 4-5 दिन, 1 वीक, ये जो आने वाला वीक है इसमें आप 1 वीक वेट कर लो। अगर 1 वीक बाद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आता तो गाइस आप कहीं और ट्राई करो, ये SLC की एक और वैकेंसी निकलने वाली है, ये फिर बस वैकेंसी आ रही है, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। बट मैंने ये चीज़ सुना है कि जो TCS में अगर आपने अप्लाई कर लिया है तो आफ्टर 6 मंथ बाद अप्लाई कर सकते हो, बट SL में ऐसा कुछ नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो तो कर लेना। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन, देखो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं शेयर कर सकती हूँ या फिर किसी भी HR का नंबर नहीं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि कंप्लायंस है, मैं क्योंकि बहुत सारे HR हैं, बहुत सारी टीम है, ऑनबोर्डिंग टीम डिफरेंट है, अगर मैं उस केस में कैसे मैं शेयर करूँ, सबकी अलग अलग प्रोफाइल सबके पास है, तो आप मेल करो, मेल के पास ऑप्शन है तो रिवर्ट आएगा गाइस, क्योंकि देखो टाइम काफ़ी टाइम से फ्रीज था ऑनबोर्डिंग, तो ऑब्वियसली बात है इसमें काफ़ी समय लगेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब आइए गाइस एक चीज़ और, 40% जिनका इनकम्प्लीट है, जिनका 40% पे ही अटका हुआ है, उसे आगे 6 मंथ से नहीं बढ़ा है, तो आप फालतू में वेट कर रहे हो, या तो आप अपनी देख लो, जो आपको मेल आईडी मिला है जहाँ पे बिजी वगैरह आपने फिल किया होगा वो देख लो कहाँ पे आपका लास्ट था, उसके बाद आप मतलब बिजी भी होता है ना, पेंडिंग किसके पास है, कितना टाइम से पेंडिंग है, वो सब आपको शो होता है, वो चेक कर लो। अगर उसके पास भी आपको नहीं तो कोई रिप्लाई आ रहा है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो आप प्लीज़ फ्रीज कर देना, मतलब आप छोड़ दो, कहीं और अप्लाई करो, कोई फ़ायदा नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम है गाइस। 1 साल वेट करके, 9 मंथ वेट करके आप फिर वो जॉब करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं बिल्कुल। अभी और वैकेंसी आने वाली है हर एक कंपनी में, मैं देखती हूँ, मैं शूट करती हूँ वैकेंसी वाइज वीडियोज़। तो ये ऑनबोर्डिंग अपडेट था। देखो मेरा लास्ट पॉइंट यही है, ज़्यादा टाइम वेट करने का कोई मतलब नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी, आप कहीं और ट्राई करो, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है किसी के थ्रू तो आप वेट कर लो, डिपेंड करता है आप लोग पे। तो आज का ब्लॉग यही था, यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर।